हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सी अम्ब्रेला फ्रिल कुर्ती, जिसके नेक पर हमने गोटा पट्टी से डिज़ाइनिंग की है। एंड इस कुर्ती के साथ मैंने ये अफगानी शलवार बनाई है। सो गाइस, ये मैंने येलो कलर से बनाई है, हल्दी स्पेशल। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3 मीटर प्लेन रियॉन फैब्रिक लिया है, और जो मेजरमेंट है वो कुर्ती का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो ये मेरा रेडी मेजरमेंट है। एंड यहाँ पर कुर्ती डिज़ाइनिंग के लिए मैंने कुछ गोटा पट्टी और ट्रायंगल लेस ले ली है। तो देखिए, सबसे पहले हम कुर्ती का अपर पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए हमने किनारे वाली साइड से फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है। एंड इसके बाद अब हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे। अगर आपका साइज़ इस मेजरमेंट में ठीक आता है तो यहाँ से लेंथ में हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप ये बड़ा साइज़ के लिए बना रहे हैं जिसे मैं बना रही हूँ, तो इस तरह से आपको फैब्रिक आड़ा करके फोल्ड करना होगा और यहाँ से इसकी लेंथ विड्थ निकालनी होगी। तो देखिए, मैं 9.5 इंच पर बस्ट बनाऊँगी और 2 इंच मैंने आगे की तरफ इसका सीमिंग अलाउंस ले लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। सो ये हमारी विड्थ हो गई है, और फोल्ड वाली साइड से हम लेंथ लेंगे। सो लेंथ हमें टॉप पार्ट की जितनी भी चाहिए उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मुझे 15 इंच पर रेडी चाहिए, तो मैं 16 इंच पर इसको कट कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 16 इंच की लंबाई ले ली है। अब हम शोल्डर का मार्क करेंगे, जो है 7 इंच। इसके बाद यहाँ से नेक की विड्थ ले लेंगे, जितनी भी विड्थ लेंगे, और यहाँ से हमने 1/2 इंच पर कंधी डाउन कर देनी है। एंड इसके बाद अब हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे, जो है 7 इंच। तो सीधा मार्क 7 इंच पर करेंगे और 1 मार्क ऊपर की तरफ कर देंगे। इसके बाद हमने ये बैक आर्म होल की गोलाई दी है, और ये हमारी फ्रंट आर्म होल की गोलाई है। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे, जो है 9.5 इंच। इसके बाद हम अपने वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे, जो है 8 इंच। अब हमने दोनों पॉइंट को लाइन अप कर देना है। एंड आगे की तरफ हम 2 से 1.5 इंच सीमिंग अलाउंस ले लेंगे। अब इस वाली साइड से ऊपर की तरफ 1 इंच मार्क करेंगे, और इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई दे देंगे, ताकि हमारी कुर्ती का कॉर्नर नहीं लटके। अब सबसे पहले सेंटर का एक नॉच लगाएंगे, और कंधी डाउन करते हुए हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, ये हमारा बेसिक बॉडी मेजरमेंट है। सो यहाँ पर हमने अपने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब ये फिटिंग वाले जो पार्ट है, यहाँ पर हम नॉचेस लगा लेंगे। सिलाई के टाइम हमें ये बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके बाद अब हमने घेरा कट करना है, जो जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है। देखिए, इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। अब इसको हम ट्रायंगल शेप में इस तरह से डायगोनली 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तिकोनी शेप में कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। इसके बाद इस कॉर्नर से हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। सो कमर की मार्किंग के लिए आप अपने टॉप पार्ट से भी इसका मेजरमेंट ले सकते हैं, जिसे मैंने 8 इंच पर इसकी कमर की मार्किंग की है। अब इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। सो 9 इंच पर हम इसकी गोलाई लेंगे। अब देखिए, ओपन वाली साइड से जो भी लेंथ आएगी, यहाँ पर इंच टेप को सीधा करके रखना है, और नीचे की साइड से इंच टेप को घुमाते हुए मार्क करते जाना है। ऊपर से इंच टेप को नहीं घुमाएंगे। इसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे। अब इसको और अच्छे से डार्क कर लेंगे, एंड इसके ऊपर 1/2 इंच का एक और मार्क करेंगे, जो हमारा सीमिंग अलाउंस होगा। अब देखिए, घेरे की लेंथ लेने के लिए हम अपने टॉप पार्ट की जो रेडी लेंथ है उसको माइनस कर देंगे। तो 15 इंच पर मेरा टॉप पार्ट रेडी होगा। तो नीचे वाले मार्क पर मैंने 15 इंच रखा। अब यहाँ से कुर्ती की जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे। तो जितनी भी फ्रिल चौड़ी चाहिए उतना ही हम माइनस कर देंगे और मार्क कर देंगे। सो इस तरह से ये हमारे घेरे की लेंथ हो गई है। आप यहाँ पर 2-3 इंच जितनी चौड़ी फ्रिल लगाएंगे उतना ही कम इसका मार्क करेंगे। तो अब हमने ऊपर कॉर्नर पे इंच टेप रखना है, और नीचे जो भी लेंथ आई है उस लेंथ को आगे तक फॉलो करेंगे और मार्क करते जाएंगे इस तरह से। अब इन सभी मार्क को हम अच्छे से डार्क करके एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। तो ये हो गई हमारे घेरे की लेंथ और विड्थ। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो कटिंग को हमने फिनिशिंग के साथ करना है इस तरह से। इसके बाद हमने कमर का जो राउंड है वो कट कर लेंगे, एंड ये साइड से जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है इसको भी कट करके निकाल देंगे। सो इस तरह से ये हमारा घेरा कट हो चुका है। तो ये हमारा घेरा कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो हमारा फैब्रिक बचा है उसकी किनारे वाली साइड को हम अपनी तरफ रख रहे हैं इस तरह से। ये डबल फोल्ड है। अब हमने इसको अच्छे से बराबर करके 4 फोल्ड करके एक बार और फोल्ड करना है। तो गाइज, मैं यहाँ इसमें से फ्रिल कट कर रही हूँ, तो फ्रिल की चौड़ाई जो है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मैंने घेरे में भी जो मार्जिन है वो नहीं लिया था। अब 4 इंच पर हमने यहाँ से
पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो ध्यान रखना है क्योंकि इसी फैब्रिक में से हमने नीचे से स्लीव भी निकाल ली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ से फ्रिल कट कर लूँगी। सो दो पीस फ़िलहाल मैंने कट कर लिए हैं, ये 3-3 मीटर की लेंथ में हमारे ये दो पीस हैं, तो लगभग ये 3 मीटर के आसपास हैं, थोड़ा कम रहेगा 3 मीटर में क्योंकि हमने टॉप पार्ट भी निकाल लिया है। अब देखिए ये हमारा जो पीस बचा है इसमें से पहले हम अपनी स्लीव निकाल लेंगे, एंड स्लीव निकालने के बाद जो भी हमारा फैब्रिक बचेगा उसमें से हम और 4 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर लेंगे और इसमें जॉइंट लगा लेंगे। सो स्लीव की लेंथ मुझे यहाँ से मिल रही है, अब यहाँ से हम स्लीव की विड्थ ले लेंगे जितना भी हमें आर्म होल की चौड़ाई चाहिए और सीधा मार्क कर लेंगे, एंड इस तरफ से मैं 3 इंच पर मार्क करके आर्म होल की शेप दे दूंगी। सो देखिए नीचे वाला जहाँ फैब्रिक है उसी के हिसाब से मैंने आर्म होल बनाया है और स्लीव ओपनिंग को मार्क करते हुए मैंने मार्जिन भी ऐड कर लिया है। अब इसकी सिंपली कटिंग कर लेंगे, तो सिंपली ये हमारी जो है रेगुलर स्लीव है जिसकी कटिंग हमने की है। अब सेंटर में नॉच लगाकर हम 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे जो फ्रंट में आएंगी। अब यहाँ से फोल्डेड है इसको बीच में से कट कर लेंगे। सो इस तरह से ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। इसके बाद देखिए ये जो फैब्रिक बचा है इसको मैं नेक में लगाऊंगी और जो बाकी बचेगा उसको मैं फ्रिल में यूज़ करूंगी। सो यहाँ पर हमने 3 पार्ट कट कर लिए हैं, टॉप पार्ट, घेरा एंड स्लीव। इसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। सो देखिए ये फैब्रिक जो बचा था इसको मैंने फ्यूजिंग पेपर पर पेस्ट कर लिया है अच्छे आयरन की हेल्प से। अब इसमें कोई भी सिलवट या चुन्नट नहीं है। अब इसको हमने मिडिल में से फोल्ड करना है इस तरह से। ये लगभग 5.5 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने अपने टॉप पार्ट के बराबर ली है, यानी 16 इंच ली है। सो फ्रेंड्स मैं आपको ये पीस ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि इसकी जो लेंथ विड्थ है वो कितनी है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 11 इंच ली है इस तरह से, एंड इसकी जो लेंथ है वो मैंने 16 इंच ली है। जितनी हमने टॉप पार्ट की लेंथ कट की है उतना ही हमने इसकी लेंथ ली है। अब हमने सिंपली अपना गोटा लेना है और गोटे को हमने इस तरह से सीधा करके लगा देना है। तो जितनी भी हमने लाइनें बनानी हैं मैं लगभग 1/2 इंच का गैप देते हुए पूरा गोटा इसमें लगा लूँगी। तो लीजिए इस तरह से मैंने बिल्कुल सिंपली सीधा सीधा गोटा करके लगा लिया है और गोटे का जो गैप है वो मैंने 1/2 इंच लिया है। इसके बाद हम ट्रायंगल लेस लेंगे और इसकी लेंथ में हम यहाँ से हल्का सा फैब्रिक फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और इसके जस्ट नीचे हम ये ट्रायंगल्स रखेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। सो ये ट्रायंगल लेस हमने दोनों साइड में इसी तरह से लगानी है। सो गाइज़ वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से नहीं समझ आई है या फिर मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो कर लें, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब देखिए हमने दोनों साइड में ट्रायंगल लेस भी लगा ली है। इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट में आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे, एंड इसके बाद हमने जो पैटर्न बनाया है इसको मिडिल में से फोल्ड करके दोनों की फोल्डेड साइड एक तरफ रखेंगे अच्छे से मिलाकर, एंड इसके बाद मैं नेक की विड्थ लूँगी जो लगभग 2.5 इंच है और नेक की लेंथ लगभग 6 से 6.5 इंच ले लेंगे। नीचे से भी 2.5 इंच मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम अपने नेक की शेप दे देंगे। इसके बाद इसी पर कटिंग कर लेंगे। अब हमने स्टिचिंग करनी है जिसके लिए हम अपने टॉप पार्ट की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर अपना पैटर्न रखेंगे, रॉन्ग साइड इसकी भी ऊपर है। अब यहाँ से एक पैर का दबाव लेकर नेक की गोलाई में एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद छोटे छोटे कट लगाकर हम इस पैटर्न को सीधी तरफ टर्न कर देंगे और अच्छे से अंदर की तरफ हमने फैब्रिक को सेट करना है, किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। इसके बाद अब हमने जहाँ ट्रायंगल लेस लगाई है यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और नीचे से भी हमने एक सिलाई लगानी है और अच्छे से दोनों कपड़ों को मिलाकर इसको हम रेडी कर लेंगे। अब हमने इसी तरह से अपना बैक वाला नेक भी रेडी करना है, तो इसकी कंधी के बराबर हम यहाँ एक मार्क करेंगे। ये मार्क हम कंधी से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नेक की लेंथ मैंने 5.5 इंच ली है जिसको हम बयास स्ट्रेप से फिनिश कर लेंगे। सो इस तरह से ये हमारा जो नेक है वो रेडी हो गया है। अब हमने इसकी कंधी ज्वाइन करनी है तो दोनों की राइट साइड अंदर रहेगी और बैक नेक की पट्टी हमने रॉन्ग साइड में टर्न नहीं की थी। सो इस तरह से हम कंधी ज्वाइन करेंगे, बैक नेक की पट्टी को हम फ्रंट में ओवरलैप करेंगे, 1/2 इंच का दबाव लेकर इस तरह से सिल देंगे। इसके बाद हम इसकी दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने जो नॉचेस लगाए थे और दूसरी साइड में हमारी जो मार्किंग है इस पर हमने दोनों साइड से इसकी फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग लगाने के बाद अब हमारी जो बैक नेक की पट्टी है उसको अंदर की तरफ एक सिलाई लगाकर फिनिश कर देंगे। तो अब देखिए ये हमारा
टॉप पार्ट घेरा है, दोनों के सेंटर पे हमने मार्क कर लिया है। अब जहाँ हमने टॉप पार्ट की फिटिंग लगाई है वहीं पर उसके सामने हमने घेरे में एक मार्क करना है और अब हमने अपने घेरे में फिटिंग लगानी है। सो यहाँ से हमने जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है वहाँ पर सिलाई स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ लगभग 1/4 इंच पर हम इसको एंड कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी इसकी फिटिंग लगा लेंगे। तो लीजिए, घेरे के दोनों साइड में हमने फिटिंग लगा ली है। तो टॉप पार्ट और कमर का घेरा बराबर है, इस तरह से दोनों साइड में हमने इसकी फिटिंग लगा ली है। इसके बाद देखिए, जो हमारा बैक नेक की पट्टी थी उसको भी हमने रॉन्ग साइड में टर्न करके एक सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हमने टॉप पार्ट को घेरे की कमर से ज्वाइन करना है, जिसको हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे। टॉप पार्ट हमारा राइट साइड में रहेगा और घेरा रॉन्ग साइड में। दोनों की फिटिंग की साइड को आमने सामने रखेंगे और सेंटर को भी एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर हम पूरे राउंड में एक सिलाई लगा देंगे। सो सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधी तरफ टर्न कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉप पार्ट घेरे से जॉइंट हो चुका है एंड दोनों की जो फिटिंग वाली साइड है वो एक दूसरे के हमने सामने रखना है। तो बिल्कुल हमने घेरा और टॉप पार्ट की कमर का जो साइज़ है वो बराबर लिया है। अब हमने अपनी स्लीव रेडी करनी है। सो यहाँ पर देखिए, स्लीव जो हमने सिंपल कट की थी इसको मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है एंड इसके बाद ऊपर की तरफ मैंने 4 लाइन गोटे की लगा ली है। इसके बाद हमने अपनी कुर्ती के आर्म होल के बराबर स्लीव में फिटिंग लगानी है इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने एक स्लीव में फिटिंग ऑलरेडी लगा ली है। कुर्ती का और स्लीव का जो आर्म होल है वो मैंने बिल्कुल बराबर रखा है। सो इस तरह से दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। दोनों स्लीव ज्वाइन करने के बाद अब हमने घेरे में फ्रिल लगानी है। सो फ्रिल हमने ऑलरेडी जो कट कर ली थी पहले, इसके बाद जितना भी फैब्रिक बचा था उसमें से भी मैंने इस तरह की 4-4 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर ली हैं। सो ये दो हमारी लंबी लंबी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। इन दोनों पट्टियों की एक साइड को मैंने 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लिया है। अब इनको भी हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये काफ़ी लंबी सी एक पट्टी रेडी हो जाएगी फ्रिल के लिए। इसके बाद हमने पट्टी की सीधी तरफ, घेरे की सीधी तरफ ऊपर रखना है इस तरह से और यहाँ पर हम 1/2 इंच की प्लेट्स इस तरह से एक ही डायरेक्शन में बनाएंगे। सो कुर्ती के पूरे घेरे में हमने ये पट्टी की इस तरह से फ्रिल बनानी है प्लेट्स के साथ पूरे राउंड में। सो फ्रेंड्स, कपड़ा जितना भी बचा था सभी को मैंने फ्रिल में इस तरह से रीयूज़ कर लिया है और यहाँ पर जो मेरी फ्रिल बनी है वो काफ़ी अच्छे से आई है। काफ़ी इसमें नीचे से जो प्लेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। अब देखिए, जो फ्रिल का जॉइंट है इसके ऊपर हमने ये ट्रायंगल लेस रखकर एक सिलाई लगा देनी है। सो यहाँ पर जो हमारा नीचे वाला मार्जिन है वो अंदर की तरफ रखना है, यानी जो हमारी फ्रिल का अंदर का मार्जिन है वो फ्रिल के साइड में रखकर एक सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से ये हमारा जो नीचे का मार्जिन है वो सेट हो जाएगा लेस के साथ। सो गाइज, इसी के साथ हमारी ये कुर्ती रेडी हो चुकी है एंड इस कुर्ती के साथ मैंने ये अफगानी शलवार बनाई है और ये अफगानी शलवार मैंने 2 मीटर से बनाई है एंड इस शलवार का जो ट्यूटोरियल है वो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप ये शलवार का बहुत ही आसान सा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ये इतना आसान ट्यूटोरियल मैंने बताया है कि कोई बिगनर्स भी आसानी से शलवार बना सकता है। एंड गाइज, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी जिसको मैंने हल्दी आउटफिट में बनाया है। आप अपने हिसाब से जिस कलर में भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, बट यहाँ पर जो मैंने कलर चूज़ किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लग रहा है और ये मेरा हल्दी स्पेशल ड्रेस भी हो गया है एंड इसके साथ मैंने ये रेड कलर का दुपट्टा कम्बाइन किया है। आप अपने हिसाब से मेहंदी कलर का भी ले सकते हैं, अगर आप येलो कलर का बना रहे हैं तो मेहंदी कलर का दुपट्टा भी बहुत अच्छे से जाएगा। एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो डिज़ाइन है अफगानी शलवार और इस टाइप की कुर्ती का, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। प्लेन फैब्रिक के साथ आप बहुत ही कम रेट में इस टाइप की ड्रेस तैयार कर सकते हैं। सो इसको आप हल्दी स्पेशल, मेहंदी स्पेशल बनाना चाहते हैं तो कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफ़िनेटली आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और साथ ही साथ आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी करेंगे। तो सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।